हाय फ्रेंड्स, आज हम दीपावली में हैंडमेड डेकोरेटिंग आइटम्स दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये मेरा हैंडमेड डेकोरेटिंग आइटम है और एक ये है, ये देखिए, ये देखिए, ये दो का पेयर है, मतलब एक पेयर है, ये दो हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये ब्लू वाले से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये जो गोल रिंग है, ये एक हमारे पास प्लास्टिक का पाइप था। अगर आप चाहें तो कोई वायर या तार या कोई भी आइटम ले सकते हैं जो गोल रिंग के शेप में हो। हमारे पास ये प्लास्टिक का रिंग टाइप का था, तो हमने उस रिंग को यहाँ ग्लू गन से, रिंग मतलब रिंग नहीं बना था, वो प्लास्टिक का एक मटेरियल था, उसे हमने ग्लू गन से पेस्ट करके ये रिंग बनाया है। उसके ऊपर, वो रिंग बहुत पतला था, तो उसके ऊपर हमने ये ब्लू कलर का, ये देखिए, ऊन वूल आता है, तो उसको हमने इतना लपेटा कि वो इतना मोटा हो गया। उसके ऊपर ये लेस लगा लिया है, तो इस तरह का गोल सर्कल डेकोरेटेड बन गया है। इस तरह अगर आपके पास ऑलरेडी सर्कल हो या कोई और शेप हो, स्क्वायर और रेक्टेंगल हो, तो आप उसके ऊपर कोई धागा, इस तरह का सिंपल धागा है ये देखिए, इस तरह लपेट के उसे डेकोरेट कर सकते हैं। उसके ऊपर इस तरह का या कोई और तरह का लेस लगा सकते हैं। तो इस तरह के सर्कल्स मैंने बनाने के बाद, ये पॉम पॉम आता है, तो हमने ये दोनों सर्कल को बांध करके बीच में ये पॉम पॉम बीच में ऐड कर दिया है। इस तरह से हमने ये इतनी लंबी ऐसे लड़ तैयार कर ली है। ये देखिए, आपको जितनी लंबी चाहिए हो उतनी लंबी तैयार करिए। और उसके लास्ट में हमने जो ये धागा यूज़ किया था ब्लू कलर का, उसका हमने ये इस तरह से बना लिया है, गुच्छा टाइप का बना लिया है। और इसको हम किसी भी तरह से, जैसे मान लीजिए ये हमारा गेट है या विंडो है, तो उस पर हम इसे इस तरह से ऐसे लटका के डेकोरेट कर सकते हैं। या आप दीपावली पे या किसी भी फंक्शन पे या कोई फंक्शन ना भी हो तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं, आपको जैसे मन वैसे लगा सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से आप बना सकते हैं। ये हमारा एक डेकोरेटिंग आइटम हो गया। और उसी तरह से ये देखिए, ये जो बेल है, ये मार्केट में आती है, इतनी बड़ी बेल भी आती है, इतनी बड़ी बेल भी आती है, तो ये दो टाइप के हमने बेल ले लिए हैं। और इसे हमने सिंपल जो छोटे छोटे वायर आते हैं, वायर में ये मोती डाल के, देखिए मोती है, मोती डालकर इसे हमने अटैच कर दिया है। तो ये बड़ी बेल को छोटी बेल से अटैच करके ये हमने बना लिया है। ये देखिए, मोती को भी हमने वायर में डालकर पैचअप कर लिया है। फिर एक ये धागा लिया है। फिर देखिए, ये बॉल है, जो प्लास्टिक की छोटी छोटी बॉल आती है, उस पर हमने ये वेलवेट का कपड़ा लगा के उसे कवर कर लिया है। और ये सब जो इतने आइटम है, मोती हैं, ये बेल शेप हैं, ये सब मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। तो आप धागे में इसको डालकर, इस बॉल को हमने वही ग्लू गन से बॉल को चिपका लिया है। और ये लंबा सा एक धागा लिया है, उसमें सब हमने अटैच करते हैं। पहले हमने बेल चिपकाया है, फिर ये मोती डाली है इस धागे में, फिर इस धागे में ये मोतियाँ डाली हैं, और इस बेल शेप में हमने ये बॉल चिपका लिया था। ये बॉल प्लास्टिक की होती है, तो इसमें धागा के लिए हम आसानी से इस बॉल को छेद कर सकते हैं। और इसी तरह से हमने इसकी लंबी सी एक पूरी रस्सी रोप तैयार कर ली है, जो कि बहुत ही अच्छी डेकोरेटेड है। और लास्ट में इसके भी इस कॉर्नर पे हमने ये सेम बेल डेकोरेट करके लगा ली है। इसको भी हम किसी विंडो पे या गेट पे, ये जिस तरह से आपका मन करे, ये देखिए, इस तरह से आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये हमारे दीपावली डेकोरेशन पे भी काम करेगा। अगर आप चाहें, ये मैंने दो बनाया है, दो का सेट है, ये देखिए, तो आप ये कॉर्नर पे ऐसे यहाँ से ओपन करके ऐसे दोनों कॉर्नर पे लगा सकते हैं। और ये देखिए, इसी तरह से ये मैंने ब्लू कलर का भी बनाया है। हमने तीन कलर का बनाया है। ये फर्स्ट
फर्स्ट डार्क ब्लू एंड सेकंड रेड एंड ये लाइट ब्लू। जो मैंने मटेरियल इसमें यूज़ किया है वही सेम मटेरियल मैंने इसमें यूज़ किया है, बस इसका कलर डिफरेंट है। और देखिए यही बेल शेप है, ये यहाँ पे डिफरेंट बेल शेप थोड़ा सर्कल वाली हो गई है। और ये मोतियों के मोटी मोती की ये मेरी ऑलरेडी रेडीमेड बना हुआ मटेरियल है जिसको मैंने धागे में अटैच किया है। और इस तरह से धागे का एक पेयर बनाया और ये भी एक पेयर बनाया, फिर इसके बाद थर्ड पेयर को इससे अटैच कर दिया है। और ये लास्ट में रही है पत्ती लीफ शेप का, ये भी मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। फिर इसके बाद ये है मोती, ये है मोती, ये सब इजीली अवेलेबल होते हैं। बस आपको धागे से सुई से या हाथ से अटैच करके इसका एक गुच्छा टाइप बना के ग्लू गन से हमने इसे ग्लू गन आपको मैंने दिखा दिया है इस बॉल के घर अटैच कर दिया है। तो ये देखिए एक पेयर इसका ये रेडी हो गया, एक पेयर ये रेडी हुआ है। ये हम किसी भी गेट या विंडो के कॉर्नर में, ये देखिए यहाँ से मैं अलग करके आपको दिखा देती हूँ, सॉरी लेट हो रहा है आपको। ये देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा था पहले तो ये देखिए दो तरह के बना लिए हैं। या आप किसी मंदिर में, घर में जो मंदिर होती है उस पर साइड पे लगा सकते हैं, या कोई भी जगह आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। कोई बर्थडे हुआ या कोई पार्टी फंक्शन हुआ, आप इंट्रेंस पे या कहीं पे भी, अगर आप जैसे फोटो पिक कराने के लिए वॉल पे कोई थीम बनाए हैं तो उसके कॉर्नर पे कहीं भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये तीनों लेयर्स जो मैंने तैयार की हैं अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इसी तरह के और वीडियोज़ और डेकोरेटिव आइटम्स बनाती रहूँ। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट। थैंक यू।